मुंबई में आज सुबह से लगातार बारिश हो रही है, कभी रुक के और कभी तेज, लेकिन उसका असर हम देख रहे हैं कि आम जनजीवन पर पड़ता दिखाई पड़ रहा है। लेकिन बीएमसी जिसने कि पूरी जमीनी स्तर पर काफ़ी तैयारी की है, उसका दावा भी किया है, आज वो जायजा लेने के लिए खुद बीएमसी आयुक्त इकबाल सिंह चहल यहाँ पर आए हुए हैं। फिलहाल हम बीकेसी में मीठी नदी के पास हैं, बात करते हैं कमिश्नर सर से। सर, आज आप यहाँ पर आए, जिस तरह से आज बारिश की चेतावनी, उसको देखते हुए कितनी तैयारियाँ भरपूर हैं आप लोग की, पर्याप्त है? नहीं, मैं नम्रता से बोलना चाहता हूँ कि हमने इस बार ज़बरदस्त तैयारी की है। मार्च महीने से हमने नाला सफाई काम शुरू कर दिया था, और मैं ये बताना चाहता हूँ कि मुंबई में जो सड़कें हैं टोटल सारी रोड्स मिला के छोटी बड़ी, उसकी लंबाई 2050 किलोमीटर है और नालों की लंबाई 2200 किलोमीटर है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना महत्वपूर्ण है नाला सफाई का काम मुंबई में, जहाँ पर 130 इंच बारिश होती है, और अगर नाले साफ़ ना हो तो पानी का फ्लो जो है डीप और शहर का जो डी वाटरिंग है वो हो नहीं पाएगा। उसके लिए हमने इस बार जो नॉर्मल हर साल हम जो गवर्नमेंट के या बीएमसी गाइडलाइंस थे उसके हिसाब से हम 75% हम डीसल्टिंग करते थे नालों की 31 मई तक, उसके बाद में बाकी 15% करते थे हम मई से सितंबर तक, और सितंबर के बाद में अक्टूबर नवंबर में हम 10% करते थे। तो इस बार हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने हमें आदेश दिए कि आप ये परसेंटेजेस मत जाइए, जब तक हर एक नाले का आपको तह नहीं मिलेगी, हार्ड रॉक नहीं नज़र आएगा, तब तक आप डीसल्टिंग करते रहिए। उसके चलते हुए इस बार हमने 114% हमने नाला सफाई डीसल्टिंग किया है, और उसका पहला हमें असर नज़र आया जब शनिवार को 140 मीटर बारिश पड़ी 5 घंटों में हाई टाइड होते हुए, परंतु मिठी नदी के 15 किलोमीटर जहां हम खड़े हैं पीछे, कहीं पे भी लेफ्ट राइट में किसी स्लम में पानी नहीं घुसा और सारा पानी समुंदर में फ्लो कर गया। और कुछ ही घंटों में पूरे मुंबई में कहीं पे भी पानी जमा हुआ नज़र नहीं आ रहा था, इतना फास्ट डी वाटरिंग हुआ है। आपने जो अंधेरी सबवे की बात की है, अंधेरी सबवे का एक जोग्राफिकल लोकेशन ऐसा है कि वो एकदम खड्डे में है, अगर थोड़ा बारिश पड़ता है 50 मिनट तब भी बंद हो जाता है। नॉर्मली हम हर साल अंधेरी सबवे को कुछ टाइम के लिए बंद कर देते हैं, इस साल हम बंद नहीं कर रहे बिकॉज उसको लग के जो गोखले ब्रिज है वो टूट गया था, इस वहाँ पर ट्रैफिक नहीं है, जिसमें लगभग 30 से 40 लाख लोग ट्रैवल करते हैं, उनको अल्टरनेट दिया हुआ है हमने अंधेरी सबवे पर, वहाँ पंप्स लगाए हुए हैं। तो शनिवार को जब बंद हुआ था, दो बार हमने वापस खोल दिया था डी वाटरिंग करके, फिर बंद हो गया कि बारिश बहुत आ रही थी। आज भी अभी बंद हुआ है, परंतु कुछ ही मिनटों में हम उसको वापस शुरू करेंगे, उसको परमानेंट बंद नहीं कर रहे हैं बिकॉज वो क्ले ब्रिज नहीं है। फ्लोटिंग जो हम देखते हैं नालों में, सफाई तो की आपने दवा के 114%, लेकिन फ्लोटिंग कचरा जो है बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है, अगर रियलिटी में हम जाएँ देखने को। एक जितने भी हमारे मान्यवर नागरिक हैं उनको मैं अपील करना चाहूँगा कि लोग जब फ्लोटिंग डेबरी देखते हैं उनको लगता है कि नाला साफ़ नहीं हुआ। ये जो फ्लोटिंग डेबरी है जिसमें प्लास्टिक है, रबर है, प्लास्टिक बॉटल्स हैं या और वेस्ट है, वो जो उसका और जो डीसिल्टिंग हम करते हैं और हज़ारों ट्रक लोड हम डीसिल्ट निकाल के हम भिवंडी और दूर के इलाकों में फिलिंग जगह पे डालते हैं, इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। परंतु परसों हमारे ध्यान में आया कि जब अंधेरी सबवे बंद हुआ तो वहाँ एक 5 फुट ऊंचा रेफ्रिजरेटर कंडम किया हुआ बह के सबवे में आके फंस गया एज ए फ्लोटिंग डेबरी, और उसके कारण भी बड़ी दिक्कत हुई लोगों को वहाँ पे। तो मेरी लोगों को ये बेनती है कि आप जो इतना कचरा फेंकते हैं नदी नालों में और पूरी तह बन जाती है नाले के ऊपर एक वो कचरे की, उसको अगर आप हमारा जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है जो हर दर सुबह हम 6300 मैट्रिक टन कचरा हर रोज़ निकालते हैं मुंबई का, अगर ये वहाँ पे फेंका जाए तो नाले साफ़ रहेंगे और इस तरह की लोगों को दिक्कत नहीं आएगी जब ये डेबरी के कारण फ्लडिंग हो जाती है। सर, मुंबई का एक कनेक्शन है जो भौगोलिक संरचना है कि हाई टाइड और लो टाइड का असर सीधा, अगर पानी बारिश ज़्यादा हो तो फ़र्क पड़ता है। अभी जैसे हम खड़े हैं दोपहर के लगभग 1:30 बज रहे हैं और इस समय लो टाइड है, लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि पानी काफ़ी भरा हुआ है और कई जगहों पर लोलाई इलाकों में पानी जल जमा शुरू हो गया है। तो आपने कितनी जगहों पर मोटर पंप की व्यवस्था की है और किस तरह से वहाँ काम चल रहा है और क्या भरोसा दिलाना चाहते हैं आप नागरिकों को? इस पर हमने मुंबई में 480 ऐसे हमने स्पॉट्स सेलेक्ट किए हैं जो लो लाइंग हैं, वो एक सॉसर की तरह हैं कि वहाँ पर पानी जमा होने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो वहाँ पे हमने 480 पंप लगा के वहाँ पे 480 टीम्स बनाई हैं और प्रत्येक टीम में पंप ऑपरेटर इंजीनियर का अपॉइंटमेंट किया है। वो एक हमने बुकलेट तैयार की है कि वहाँ जो इंचार्ज इंजीनियर है उसका फ़ोन नंबर क्या है, उसका नाम क्या है, लोकेशन क्या है, और सभी हमारे डिपार्टमेंट को सर्कुलेट की है और उनको बोला गया है जब भी बारिश शुरू होती है हर इंजीनियर जो मेंटर है वहाँ पर हाज़िर होना चाहिए,
और जैसे ही वहाँ पानी जमा होने लगेगा आपने पानी निकाल के पास के नाले में फेंकना है ताकि वो डी वाटर हो जाए। और इसी के चलते हुए ये जो हमने मैकेनिज्म बनाया है कुछ ही घंटों में हम पूरी बम्बई का पानी बाहर निकाल देते हैं। बारिश में एक और समस्या है मुंबई की कि जो पुरानी बिल्डिंगें जर्जर बिल्डिंगें हैं मकान गिरने लगते हैं। अभी शुरुआत में ही हम देख रहे हैं कि 2 से 3 हादसे हो चुके हैं, 2 लोगों की जान भी जा चुकी है उसमें। सो मुंबई में ये बात सही है, वेरी अनफॉर्चुनेट बात है, परंतु इसमें सच्चाई ये है कि मुंबई में सैकड़ों बिल्डिंगों ऐसी हैं जो बहुत पुरानी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 16,000 बिल्डिंग्स ऐसी हैं जो सेस बिल्डिंग्स हैं और प्री 1940 की बनी हुई हैं, और उसमें जो टेनेंट्स हैं वो उनको प्रॉपरली रिपेयर नहीं कर पाते हैं बिकॉज लैंडलॉर्ड्स डिफरेंट हैं, टेनेंट्स डिफरेंट हैं, और पीढ़ियों से पीढ़ियाँ लोग रह रहे हैं उसका। हालांकि महाडा और बाकी यंत्रणा के द्वारा उनका काम चल रहा है, परंतु 16,000 जो बिल्डिंगें हैं हर साल हम मानसून से पहले उनका सर्वे करते हैं, और जैसे इस साल हमने 227 बिल्डिंगें ऐसी हमने आइडेंटिफाई की हैं जो डिलेपरेटेड हैं, बहुत ख़राब हो चुकी हैं और कभी गिर सकती हैं। उसमें से करीब 26 बिल्डिंग ऐसी थी जिसका हमने वाटर पानी का और बिजली का कनेक्शन काट दिया ताकि लोग उसको खाली कर दें, उनके लोगों की मौतें ना हों। तो इस तरह से जो ये जर्जर बिल्डिंगें हैं उसमें से हर साल ये हमारा हमने देखा है कि कोई ना कोई बिल्डिंग गिरती है और उसमें मनुष्य हानि होती है, परंतु आज सरकार के पास या हमारे पास ऐसा कोई संसाधन नहीं है कि ये जो 16,000 बिल्डिंगों में लाखों लोग हैं इनको हम खाली करवा के कहीं नए घर दे पाएँ। उसमें कार्रवाई चल रही है, परंतु एक जो उसमें समाधानकारक जो है वो बातचीत है वो कुछ टाइम लगेगा। सर, बारिश एक समस्या है लेकिन पानी एक जीवन भी है, तो पानी की जो सप्लाई होती है, आपूर्ति होती है मुंबई में, सब रिजर्वायर जो तालाब है उनसे होती है। तो अभी आप लोगों ने वहाँ की पानी का असर कम होने की वजह से कटौती की घोषणा की है, कितनी कटौती की गई और कब तक जारी रहेगी? और अब तो बारिश शुरू हो गई तो क्या रिव्यू करेंगे? नहीं, लास्ट हमने उसका रिव्यू लिया था परसों 26 तारीख को, हमारे ध्यान में आया कि लास्ट ईयर हमारे जो 7 डैम्स हैं जहाँ से मुंबई का पानी आता है पीने के लिए और बाकी सुविधा के लिए, उसमें 9% स्टोरेज था, इस बार स्टोरेज कम होके 7% से नीचे आ गया है। और भले ही मुंबई शहर में कितनी मर्जी बारिश हो, परंतु जब तक वहाँ पे 100 किलोमीटर दूर पहाड़ों में कैचमेंट एरिया में अच्छी बारिश नहीं होएगी और हमारा जो लेक लेवल इम्प्रूव नहीं हो जाएगा रिजर्वायर्स का, तब तक एक खतरा बना रहता है कि अगर बारिश बंद होने के बाद में कोई बड़ा गैप आ गया और बारिश नहीं पड़ी और वहाँ पर लेवल बहुत कम हो गया तो बहुत बड़ी एक समस्या खड़ी हो सकती है। इसलिए हमने एक सावधानी के तौर पे हमने 10% पानी का कट लगाने का निर्णय लिया है, परंतु अगर अगले 7 दिनों तक अच्छी बारिश होती रही और कैचमेंट एरिया में अच्छी बारिश होगी, हमारा डैम का लेवल इंप्रूव हो जाता है, तो हम ये कट विड्रॉ कर लेंगे। धन्यवाद सर बात करने के लिए। बीएमसी आयुक्त इकबाल सिंह चहल हैं जो बता रहे हैं कि पूरी व्यवस्था की गई है, तैयारी की गई है, लेकिन जो मुंबई की भौगोलिक संरचना कुछ इस तरह है तस्सरी की तरह कि पानी अगर जरा भी होता है तो वो जमा हो जाता है, और चूंकि समंदर से घिरा हुआ है तो हाईटाइड के वक्त पानी निकासी जो है वो बंद करनी की व्यवस्था बंद करनी पड़ती है, लिहाजा इस तरह की समस्या होती है। लेकिन इसके लिए मोटर पंप लगाए गए हैं तकरीबन 450 जगहों पर, और पूरी कोशिश ये रहती है कि मुंबई का जनजीवन भारी बारिश में भी चलता रहे। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित सुनील सिंह, NTV इंडिया के लिए।